हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोग के साथ जिंजर ब्रेड सैंडविच की रेसिपी। आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पे काबुली चना लिया है, इसको हमने पहले से उबाल कर रख लिया था। अब इसको हम मैश कर लेंगे, ये 1 कप है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा उबला हुआ आलू, इसे भी हम इसके साथ मैश कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। काली मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून और जीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी डालेंगे थोड़ी सी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सर जो है रेडी हो चुका है। तो अब हम एक बाउल में बटर ले लेंगे 2 बड़ा चम्मच। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक ग्रेट किया हुआ। तो ये हमने 3 इंच का बड़ा टुकड़ा लिया था अदरक का, जिसको हमने ग्रेटर पे ग्रेट कर लिया है, बारीक वाले ग्रेटर पे ग्रेट करना है। और इसको हम बटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा बटर जो है मिक्स हो चुका है। अब हम ब्रेड की स्लाइस लेंगे, एक पर हरी चटनी फैलाएँगे और दूसरे पर टोमेटो केचप लगा देंगे। और उसके ऊपर हम लगाएंगे चना और आलू का जो हमने मिक्सर तैयार किया था। तो ये हम ब्रेड पर स्प्रेड कर देंगे और दूसरे ब्रेड से इसे कवर कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी सैंडविच बनाकर रेडी कर लेंगे। तो हमारा 2 सैंडविच बनके रेडी हो चुका है। अब हम बटर लगाएंगे इसके ऊपर जो हमने बनाया था अदरक वाला। तो ये दोनों साइड से हम लगाएंगे। तो हम दूसरे वाले ब्रेड पे भी इसी तरीके से लगा लेंगे। अब हमारा पैन गरम है, तो पैन को हम मीडियम रखेंगे और उसके ऊपर हम सैंडविच रख देंगे और एक साइड से सेकने देंगे और दूसरे साइड से भी हम बटर लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड से हमारा सैंडविच जो है अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो इसे फ्लिप कर लेंगे और दूसरे साइड से भी इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो हमारा सैंडविच जो है बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं सर्विंग डिश में। गार्लिक ब्रेड तो बहुत लोगों ने बनाया है, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं जिंजर ब्रेड बनाऊंगी। तो मैंने जिंजर ब्रेड सैंडविच बना दिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये सैंडविच जो है बहुत ही हेल्दी है। आप इस सैंडविच को सॉस या चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। और आपके 1 लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने का। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।